विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लिंगर, जो कि करण जौहर की प्रोडक्शन तले बनी थी, बता दें कि बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। थिएटर में 10% ऑडियंस भी नजर नहीं आ रही। इसके बाद अब इस मूवी पर वो 10% लोग किस तरीके का रिव्यू दे रहे हैं, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताते हैं। वेल, कोई कह रहा है कि विजय देवराकोंडा का अब तक का सबसे गंदा मूवी है, तो कोई कह रहा है अनन्या पांडे को नहीं लेना चाहिए था, कोई कह रहा है कि ये साउथ मूवी है ही नहीं, ये बॉलीवुड की मूवी है इसलिए घटिया और फ्लॉप है, तो कोई कह रहा है कि माइक टाइसन को इतना गंदा दिखाया, यही मुझे सबसे बुरा लगा। एक ने तो यही कह दिया कि पिक्चर देखकर चुपचाप निकल जाना, किसी को बताना मत कि तुमने लिंगर देखी है, वरना ऐसी मूवी देखने के लिए बाहर इज्जत चला जाएगा। जी हाँ, साउथ सिनेमा को भी नहीं भाई, विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे की ये फिल्म। फिल्म को ऑडियंस ने डिजास्टर मूवी बताया है। याद दिला दें कि बॉलीवुड के बॉयकॉट पर विजय देवराकोंडा ने ये कहा था, आई थिंक वी आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दिस, करने दो बॉयकॉट, हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखें, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी या फोन पर देखें। वेल, इस पर भी ऑडियंस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बायकॉट बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं है, शाम तक अपने आप ये पिक्चर रुक जाएगी, इतनी गंदी मूवी है। जी हाँ, इसी तरीके के रिएक्शंस ऑडियंस के लिंगर पर सामने आ रहे हैं। वेल, विजय देवराकोंडा, हिंदी ऑडियंस से इस तरीके से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए था। इस हिंदी ऑडियंस ने बॉलीवुड के खान्स तक को नहीं बख्शा, वो आपको क्या समझेगी। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।